तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इनका सक्सेसफुली वीजा आया है, कंट्री का नाम फिनलैंड है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, ये सारी की सारी जर्नी के बारे में और सिस्टम के बारे में इनसे हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो जब भी बच्चा कोई फिनलैंड का स्टूडेंट वीजा किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करता है, तो उसके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी सारा एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। हेलो सर जी, नमस्ते सर जी। नमस्कार। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन ऑफ द क्लाइंट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग, हम किसी भी क्लाइंट का फेस डिस्क्लोज नहीं करते, ना ही उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। चाहे हमें क्लाइंट परमिशन भी देता है कि सर हमारी वीडियो जरूर दिखाई जाए चैनल के ऊपर, इवन दैट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट ऑन द सोशल मीडिया। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछूंगा कि आप हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है, कौन से महीने में जुड़े थे हमारे साथ? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आ रही है भाई, आ रही है बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो मैं ये पूछूंगा कि कब आप हमसे जुड़े थे सर? सर अप्रोक्स फरवरी के महीने में जुड़ गया था आपके साथ। फरवरी फरवरी में जुड़ गए थे हमारे साथ, तो अभी नवंबर चल रहा है, अभी जाकर आपका वीजा अप्रूव होकर आया है, तो आप ये हाँ जी लेकर सर, एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेट होगी सी, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट होगी सी। तो अभी ये देखिए, 10 महीने एक ऐसे बच्चे को लगे, आप हाँ, मुझे वो करके फिर अपन नेक्स्ट इन देख मैं लें। ये पूछूंगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है, थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, 12th में कितने नंबर हैं? हाँ, मैं 12th में थे 48%, हाँ जी 10th हाँ जी, में थे 72%, और ग्रेजुएशन में बीसीए में की थी ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें थे 55%। आयल्स में कितने थे? आईएलटीएस में 6.5 बैंड थे। पहले प्रीवियसली रिफ्यूज कहां से थे? कितनी कनाडा का रिफ्यूज था, कनाडा बारी रिफ्यूज हुआ कनाडा का वीजा आपका? का मेरा दो बार रिफ्यूज था। सेम मैंने सेम ही कॉलेज में 2 बार अप्लाई कर दिया था। और भी इसके अलावा किसी कंट्री का रिफ्यूज था? नहीं, स्टडी और किसी कंट्री का रिफ्यूज नहीं था। मैंने काफी ऐसे मतलब अप्रोक्स 8-9 साल पहले टूरिस्ट लगाया था, ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा, वो रिफ्यूज था एक। ठीक है। तो ऐसे हैं कि जो आपने ये अपना कंसल्टेंट था जिसके थ्रू आपने कनाडा का अप्लाई किया, क्या वो कनाडा का ही सिर्फ करता था कि उसके पास और भी बहुत सारे कंट्रीज के ऑप्शन थे? हाँ वो सिर्फ नहीं, वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके तीन के अप्लाई करते थे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया बार बार यूके कहता बस। हूँ, मार्केट के अंदर आपको यूके जैसे, कनाडा जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड, यूएस जैसे सूट मिल सकते हैं। तो हमारे हमारे पास आपको क्या लगता है कितनी कंट्रीज होंगी जिनको हम डील करते हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई। सॉरी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे पास कितने का ऑप्शंस हो गए? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, मैं हाँ ये जी, हाँ पूछ जी। रहा हूं कि हमारे पास कितनी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े थे, कितनी कंट्रीज को हम प्रमोट करते हैं यहां पर, हम बच्चों को भेजते हैं, कोई आइडिया है आपको? मुझे लगता है कि आप यूरोप की सारी कंट्रीज में डील करते हो। मैं क्योंकि जैसे जब हमने अप्लाई किया था ना फरवरी में, तो उन्होंने काजल मैम ने मुझे अलग अलग कंट्रीज का बताया था कि आपको कौन सी कंट्री में कर सकते हैं। तो जब आप हमारे पास, हमारे हमें कहां से फाइंड आउट किया आफ्टर ये 3 रिफ्यूजल के बाद, हमें कैसे कैसे फाइंड आउट कर लिया आपने? YouTube में YouTube देख रहा था, तो YouTube से मैंने देखा कि जैसे मैंने यूरोप का सर्च मारा ना, तो आपकी वीडियोस चल रही थी, तो आपकी सबसे ऊपर थी, तो वहां से मैंने नंबर निकाला और मैं कॉल की, तो फिर मैंने साथ के साथ ही वो बुक कर दिया था कि अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो आईएलटीएस की डेट थी ना, वो इसी साल की पेंडिंग थी बस। ठीक। तो ऐसे है तो कि इसमें यूरोप को तो प्रमोट करने वाले बहुत सारे और भी कंसल्टेंट हैं, तो आपको हम पर कैसे ट्रस्ट आ गया? और भी बहुत सारे कंसल्टेंटों की वीडियो आती है, आपको कैसे लगा कि हम आपके केस में कुछ हेल्प कर पाएंगे? एक्चुअली सर, क्योंकि ना जब मैंने देखा तो मुझे एक जेनुअन सा लगा कुछ ना, कि ये जेनुअन है। ठीक। तो एक्चुअली मैंने फिर कोई और वीडियो देखी ही नहीं। मैंने फिर ना जैसे आपके फ्रंट में यूरोप में सर्च मारा, क्योंकि कनाडा से भी रिजेक्शन हुई थी मेरी,
तो मैंने फिर मेरा माइंड था कि चलो यूरोप में लगाते हैं, तो यूरोप का सर्च मारा तो आपकी वीडियो ऊपर फ्रंट पे आ रही थी बस, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब आप सीधे हमारे नंबर। पास, चलो जब आप यूरोप के लिए हमारे पास आए, तो क्या हमने आपको सिर्फ फिनलैंड ही रिकमेंड किया था या और भी कंट्रीज की सिचुएशंस दी थी? नहीं, और भी कंट्रीज के सजेशन दी थी उसमें, और भी कंट्रीज थी ठीक है। जैसे कि स्लोवेनिया, तो लातविया, स्वीडन। अभी आपने कनाडा में भी डाला, कनाडा में 2 बारी रिफ्यूज है, कनाडा में आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ? कनाडा में मेरे हो गया नियर अबाउट 1 साल वेस्ट हो गया था, क्योंकि 6 महीने बाद, 1.5 साल रख लो आप, 1.5 साल, क्योंकि डेढ़ 6 महीने का प्रोसेस रहता है ना वो, एक क्योंकि तो अगले नेक्स्ट सेमेस्टर का वेट करना था फिर हमने, तो 1.5 साल वहां पर मेरा वेस्ट हो गया था। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आपसे कि कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री का जब भी कोई स्टडी वीजा अप्लाई करता है, नॉट ए टूरिस्ट, स्टडी वीजा जब अप्लाई करता है, तो उस बच्चे को कितनी पेशेंस लेकर चलनी चाहिए और कितना टाइम एक केस को लेकर चलना चाहिए कि हाँ मैं इस कंट्री में प्रोसीड कर रहा हूँ कि मेरा 1 महीने में आ जाएगा, 2 महीने में, 3 महीने, 6 मंथ, 1 ईयर, कितना पेशेंस लेकर चलना चाहिए कि हाँ इतना टाइम हो तभी कुछ हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो ना कम से कम ना, क्योंकि अभी कभी कभार क्या होता है कि हमारे डिले भी हो जाता है, बैसी का लेट हो जाता है, कम से कम 1 साल का पेशेंट तो रख के चलो कम से कम। देखिए, मैं पेरेंट्स को, बच्चों को बार बार इसी चीज को रिपीट करता हूँ, हमारे पास एवरीथिंग लाइव मिलेगी, कोई गप्पे नहीं मिल पाएंगी, कोई हमारे पास प्रस्क्राइब्ड स्क्रिप्ट नहीं है कि मैंने सामने क्लाइंट को दी हुई है कि वही बोलना है, ये बच्चे के ऊपर खुद क्योंकि की ना, बीती हुई है। हमने नंबर ऑफ हाँ केसेस, जी, नंबर ऑफ कंट्रीज में प्रोसेस करते हैं, फॉरेन कंट्री में स्पेशली स्टूडेंट वीजा पर जाना है, एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर ऑनवर्ड लेकर चले, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तब जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उसकी भी अभी मैं जूम मीटिंग डालूंगा। एक लड़की हमारे साथ जुड़ी है, अभी एक लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका प्रीवियसली किसी कंसल्टेंट के थ्रू, कंट्री का नाम है जर्मनी, फ्रांस और इटली से स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज है 3 टाइम्स एज ए स्टूडेंट वीजा। उस लड़की ने हमें अप्रोच किया कि सर मेरा केस प्रोसेस करें आप, प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको ये बता दिया कि दिस इज द रिस्की केस, हम जरूर प्रोसेस करेंगे। 3 टाइम रिफ्यूजल के बाद ग्रीस का वीजा भी हमारे थ्रू उनका रिफ्यूज हुआ, 4 टाइम रिफ्यूज हो गया लड़की को वो। उसके बाद 2 यूनिवर्सिटीज में हमने डाला खुद उसका, वहां से एडमिशन नहीं आ पाया, वो कौन सी है, लाटविया से, ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश कॉम्युनिकेशन एडमिशन रिफ्यूज हो गया, एक कंट्री से वीजा भी रिफ्यूज हुआ हमारे थ्रू, और उसके बाद लास्टली उस लड़की का फिनलैंड से एडमिशन आया है, और फिनलैंड से एडमिशन आया, अभी उसकी मैं स्टोरी डालूंगा, उसके साथ लाइव डिस्कस करूंगा। वो मेरे पास जब भी आती थी उसके अंदर एक ही पॉजिटिव थिंग थी, नेगेटिव नहीं होती थी, नहीं सर मैं दोबारा एफर्ट करूंगी, मैं वहां पर भी डालूंगी उसके अंदर, और मैं उसको यही चीज बताता था कि देखिए आप जाएंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर इम्पेशेंस रहेंगे, जैसे आपने पिछले तीन अपने एजेंट 3 ओवर ही चेंज कर दिया, आपने तीनों को एक एक 1.5 लाख रुपया खराब कर दिया, हमारे पास आपका केस 15,000 में ही लगेगा, आपका हमसे भी रिफ्यूज हुआ है हंगरी का, 15,000 ही लगा है, कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं ली, उसका रिफ्यूज हुआ है हमसे एडमिशन नहीं आया लाटविया का, तब भी 15 है, फिनलैंड में डाला, फिनलैंड में वही 15,000 में प्रोसेस किया है। अगर ये स्टूडेंट भी हमारे थ्रू प्रोसेस कर लेता, कैनेडा का भी, आपको मालूम है शिव जी हम कैनेडा का भी करते हैं, नहीं सर जी, मेरे पता नहीं सर इस बारे में। नहीं पता, तो कनाडा का भी हम करते हैं, कनाडा में भी हमने यही सर्विस देनी थी वही 15,000 में, उसके बाद इसको इधर उधर भड़कने की जरूरत नहीं पड़नी थी और हमने इनको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने थे। तो आपने कोई फिनलैंड की भी रिसर्च की अपने लेवल पर? हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी सर जी, मैंने कहा फिनलैंड की आपने रिसर्च की अपने लेवल पर, कैसी कंट्री है, क्या है वहां पे सिस्टम की, बस हाँ जी, हाँ जी, फॉरन मैं जाने के एक्चुअली क्रेज सर्च है, करना तो ये बाद में, सिर्फ फॉरन में ही जाना है, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ हाँ फॉरेन जी, जाने सर्च का करना तो क्रेज। बाद ही सर अप्लाई किया था, क्योंकि कंट्री काफी सही लगी मैनू। तो ऐसे है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारी टीम के साथ जो आपका 10 महीने का रहा कैसा रहा है, कभी मुझसे मिलने आए हो हमने इग्नोर किया हो, कभी आपको प्रॉब्लम आ रही हो आपके स्टाफ को, आपने हमारा स्टाफ जो आपके केस को डील कर रहा था, नहीं या नहीं आपके केस को यही सब जिससे तो बेस्ट चीज, हाँ जी, ये सब तो बेस्ट चीज लगी मैंनू कि ना जो भी मैं कॉल की थी ना, तो अपने कुंवर सर ने कभी भी इदा नहीं किया कि होवे, सारे स्टाफ ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया, ये सब तो बेस्ट चीज लगी मैंनू, क्योंकि तो आपने कनाडा से एक्चुअली भी, मैं, आपने जब कनाडा से भी डाला था, उनमें और हम में कोई फर्क लगा कि सेम है वैसे भी हम भी? नहीं एक्चुअली रिस्पॉन्स उन्हों का भी बेटर सेगा, तुहाडा भी बेटर, तुहाडा भी सही सेगा, उन्हों का भी सही सेगा,
ठीक ने ठीक भी हमेशा ही कॉल पिक की थी मेरी। अगर बाई चांस ओनर कौन बिजी आते सही वो दोबारा मैंने कॉल बैक करते सी, सेम वही प्रोसेस तो आडे वाल भी सीगा जो तो बिजी आंदा सीगा ना सरदा ता मैंने कॉल बैक जरूर आंदी सी। ता ये मैंनू बेस्ट चीज लगी क्योंकि एक्चुअली तुहाडे इत्थों मैं अप्लाई करन तो पहला ना मैं क्योंकि मैं सोच लिया चलो फिनलैंड ही जाना आ ठीक है जी। उस तो अप्लाई करने तो पहला मैं नवा अपने शहर की एक किसी एजेंट तो किया अप्लाई स्टार्ट करता प्रोसैस। उन्होंने मेरे को कोई फीस नहीं रही सी, वो कहते कोई फीस नहीं लेनी हैगी, ठीक है। तो अच्छा कहते आप लेंदे नहीं फीस है ना इस एरिया की यूरोप वगैरह की। पर क्या सगा कि जो मैं कॉल करता सगा मैं उन्होंने को डॉक्यूमेंट सबमिट कराते पर मैंने डिले कर रहे थे। हाँ जी सर आप भेज दे वो फिर किसी वेले मैं उन्होंने को जाना तो इन्ने ज्यादा बिजी थे रश थे कि वो मेरा पिक ही नहीं कर पाते थे ना मेरी कॉल पिक कर पाते थे ना ही मैं उत्थे उन्होंने मीटिंग कर पाता सगा। तो नियर अबाउट मेरा 1.5 महीना उत्थे लग गया, 1 महीना मेरा उत्थे लग गया वेस्ट हो गया 1 महीना। फिर इमीडिएटली मैं उन्होंने कहा कि सर जी तुम रह दो, तो मैं फिर एक दिन ने तो यूट्यूब देख रहा इसका फिर तुहाडा देखा चैनल पे मैं ट्राई किया। फिर मैं कहा चलो इन्हें रिस्पॉन्स ठीक आ, मेन गल है कि चलो बंदा कोई आंदा स्टार्टिंग से ही देख रहा कि तुम्हें रिस्पॉन्स किन्नी की जल्दी वो दे रहे हैं, तो उसी बेस पे ही बंदा रुक जाता। फिर जो मैं देखा रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा तो मैं तो चलो ठीक ऐसा है टाइम ठीक ठीक है, ऐसा है कि मैं सब स्टूडेंट्स को और सब पब्लिक को, सब पेरेंट्स को यही बताना चाहूंगा, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है ये खराब है, एटलीस्ट उसका नॉलेज जरूर चेक करें, उसके बारे में उसकी वीडियो जरूर चेक करें स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर। फिनलैंड में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं, फिनलैंड में नहीं, अगर आप मुझे नीदरलैंड कहेंगे, आप मुझे लाटविया लिथुनिया एस्टोनिया जैसी कंट्री, स्वीडन जैसी, डेनमार्क जैसी, नॉर्वे जैसी कंट्री, आप शेंगेन की फ्रांस जैसी कंट्री का भी नाम लेंगे ना, हमारी हर एक उसके ऊपर प्ले लिस्टें बनी हुई है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप वहां पर किस वे से जा सकते हैं। और अभी जो स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड भी हमारी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी वीडियोस वॉच करें, वॉच करने के बाद वो सेम क्वेश्चन आप अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें जिसके थ्रू आपने अपना फिनलैंड का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अगर उसको उस लेवल का नॉलेज है, देन प्रोसीड द एप्लीकेशन थ्रू दैट कंसल्टेंट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, जैसे बच्चे ने वेस्ट किया है टाइम, उनको अवॉइड करें। जिनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उन एजेंसी से अप्लाई करने की कोशिश करें, चार पांच कंट्री को छोड़ दीजिए, वो हर एक कंसल्टेंट के साथ तो मिल सकती है। तो सर आपको फंड्स की भी प्रॉब्लम थी जब आपने फिनलैंड में अप्लाई करना था? फंड्स की प्रोसेसर एक्चुअली फंड्स की कोई ना बिग इशू नहीं सका, फंड्स मेरे को सके ठीक पर है। ये सका कि जेनुअन फंड सके पर ये है कि वो मेरे एक तरीके से समझो चाचे के अकाउंट से सके ठीक है। बट ये है कि उन्होंने फिर अगर आप जस्टिफाई कराने को किस वे ना कर रहे हैं तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता सगा, तो फिर मैं सोचा सी तुसी बेटर वे ना कर सकते हैं फंड्स नु जस्टिफाई, तो मैं फिर तुहाडे तो करवा ले सके। ठीक है, तो अभी ये देखिए फंड्स में भी हमने टेक्निकली इनकी हेल्प की है। मैं फिर बता दूं, वी आर वेरी टेक्निकल, आइदर एडमिशंस हैं फिनलैंड में, कोई फंड मैनेजमेंट है, कोई वीजा अपॉइंटमेंट है, कोई बायोमेट्रिक है, कोई व्हाट सोएवर चीज है, उसमें हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल आपका फिर एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा है? आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। हाँ जी नहीं एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा क्योंकि मेन तो सानू ये होंगे कि साडा वीजा आज भी तो सर्विस बढ़िया टाइम टू टाइम साडी कॉल अच्छा बढ़िया जी, करे नहीं क्योंकि क्या होंगे कि एक एक चीज, अगर वीजा ना आता फिर क्यों होता? नहीं वीजा वो तो एक्चुअली वीजा देना या ना देना वो वैसे ही हाथ चा, पर तुहाडे वालों सर्विस हमेशा बेटर रही थैंक यू। क्योंकि मैं देखा कि जो कि अब मैं कॉल करता सगा बेसिकली तो नाल दी नाल ही कॉल अटेंड करता सगा वर्किंग आवर्स दे विच, ठीक है तां मेन गल तो यही होंदी है कि सानू साडी क्वेरीज दा आंसर नाल दी नाल मिलदा रहिंदा सगा, यही ठीक चीज है, होंदी है वैसे देखने वाली। तो ऐसा है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रेयर करूंगा जल्दी जाकर वहां सक्सेस हुए। अगर फिर भी वहां जाने के बाद आपको कोई फर्दर एडिशनल सर्विस लेनी हो तो तब भी क्राउन इमिग्रेशन इज हियर, वहां से कहो कि कल मैंने अपना यूएस का वीजा ट्राई करना है, टूरिस्ट का या कनाडा जैसी कंट्री का, तो वी कैन असेस यू कि हाउ टू फिल द फॉर्म देयर, हाउ टू टेक द अपॉइंटमेंट, इवन कल पेरेंट्स ने आपको मिलने के लिए वहां आना हो तो उनके वीजाज में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ठीक है थैंक यू सर जी थैंक सर वो इंफॉर्मेशन भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे जो बताई थी। थैंक यू सर। यू सर जी।